यथावत रहेगी निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल। परिवहन आयुक्त के साथ हुई वार्ता में सहमति नहीं बन पाई है। अब आज रात 12 बजे से बंद होगा प्रदेश में निजी बसों का संचालन। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सहमति नहीं बन पाई है। उम्मीद यही की जा रही थी कि वार्ता के दौरान जो लगातार हड़ताल पर है, आंदोलन का रुख कर रहे हैं, उनकी मांगे मानी जाएगी और फिर कोई समाधान यहां से निकलेगा। लेकिन परिवहन आयुक्त के साथ हुई बातचीत में वार्ता सफल नहीं हो पाई है। कल यथावत रहेगी निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल, यानी कि इसका सीधा सीधा असर आम जनता को पड़ेगा, उन लोगों को जो जरूरी काम के चलते बाहर जाना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं और निजी बस का रुख करते हैं, उन्हें कुछ परेशानी यहां होगी। इंतजार यही है कि जल्द से जल्द कोई रास्ता निकले और समझौता बीच में इन दोनों के हो, जो जायज मांगे हैं उन्हें माना जाए, नहीं तो कोई अन्य रास्ता यहां से निकले। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जानकारी दीजिएगा, आखिरकार क्या प्रमुख मांगे हैं, अब तक सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, कई तरह की मांगे हैं, मल्टीपल मांगे हैं, जिसमें टैक्स माफी भी चाह रहे हैं जो बस के ऑपरेटर हैं, कई तरह की छूट भी चाह रहे हैं। और कल आज रात 12 बजे से ही उन्होंने प्रदेश में सभी तरह की जो निजी बसें चलती हैं उनकी हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, हड़ताल कॉल की हुई है। तो उसको रोकने के लिए, उसको टालने के लिए आज परिवहन आयोग के साथ मीटिंग हुई थी जो बस ऑपरेटर उनके परिवहन मुख्यालय में, और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बैठक चली। लेकिन इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई है और अब जो अग्रिम बैठक है उसके लिए सभी बस ऑपरेटर हैं वो जो प्रमुख सचिव हैं परिवहन विभाग के आनंद कुमार, उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन जो अभी हमें जानकारी दी है बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कि परिवहन आयोग के साथ कोई सहमति नहीं बनी है, इसलिए उन्होंने हड़ताल को जारी रखने का फैसला लिया है। अब जो एक मीटिंग 3 बजे से होनी है प्रमुख सचिव परिवहन के साथ, अगर उसमें किसी तरह की कोई सहमति बनती है सीधा तो फिर हो सकता है कि कुछ फैसला पलट जाए। लेकिन पहले दौर की जो मीटिंग थी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ, वो जो वार्ता थी वो विफल हो गई है और निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर अड़े हुए हैं। शिवेंद्र, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल भी हड़ताल यथावत रहेगी, ऐसे में कितने लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, जब हड़ताल का रुख करा है ऑपरेटर्स ने, तो कितने लोगों को यहाँ परेशानी होनी पड़ी और कुछ विकल्प उनके लिए किए गए हैं क्या? देखिए, हड़ताल का ऐलान क्योंकि आज रात 12 बजे से किया गया है, तो जो परेशानी होगी वो आज रात 12 बजे से होगी अगर हड़ताल जारी रही तो। लेकिन एक आंकड़े के अनुसार तकरीबन 10 से 12 लाख हर रोज सफर करते हैं अलग अलग तरह की निजी बसों में, तो ये सही है क्योंकि रोडवेज की जो व्यवस्था है वो पहले से कमजोर है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो अगर हड़ताल रही निजी बसों की तो प्रदेश में बहुत बड़ी आबादी को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल शिवेंद्र, यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।